नमस्कार साथियों, मैं रोहित परमार चंबल प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंबल प्रवाह न्यूज। मित्रों, देश विदेश और अपने क्षेत्र की खबर सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर चंबल प्रवाह न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और पाए हर अपडेट सबसे पहले। यदि आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मित्रों, खालिद शरीफ की ये दो पंक्तियां पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हाँ मित्रों, इस समय खालिद की ये दो पंक्तियां राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रामसुख बाना पर सटीक बैठ रही हैं। मित्रों, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रामसुख बाना का हृदयघात के कारण शनिवार 1 जून 2019 को सुबह 9 बजे जोवनेर स्थित आवास पर आकस्मिक निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही जोवनेर सहित पूरे राजस्थान कृषि विभाग में जुड़े कर्मचारियों, छात्रों एवं किसानों में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये इन सभी का सहयोग किसी न किसी रूप में डॉक्टर बाना अपनी छोटी सी जिंदगी में कर चुके थे। मित्रों, चंबल प्रवाह परिवार द्वारा एक बेहतरीन शिक्षाविद, विचारक, मोटिवेटर एवं कृषि विशेषज्ञ रहे डॉक्टर आरएस बाना को समर्पित यह बुलेटिन तैयार किया गया है, जिसमें हम आपको आगे डॉक्टर बाना के परिवार, शिक्षा एवं उनके कार्यों को आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें और चंबल प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। मित्रों, डॉक्टर रामसुख बाना एक बेहतरीन शिक्षाविद, विचारक, मोटिवेटर एवं कृषि विशेषज्ञ रहे हैं। डॉक्टर बाना का जन्म सन 1973 में जयपुर के जोवनेर कस्बे के एक छोटे से गांव बंसीपुरा के साधारण जाट परिवार में हुआ। डॉक्टर बाना श्री दानाराम जाट एवं श्रीमती श्रवणी देवी की प्रथम संतान थे। रामसुख के दो छोटे भाई रामनिवास जाट एवं गिरदारी जाट हैं। रामसुख बाना की शादी भमरी देवी जाट के साथ हुई, जिनकी एक पुत्री नेहा है। डॉक्टर बाना के भाई के अनुसार वे जन्म से ही विलक्षणी प्रतिभा के धनी थे एवं पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही गहरी रुचि थी। उनके सीखने, समझने और समझाने की क्षमता बहुत तेज थी। बाना ने 15 साल की उम्र में जोवनेर के श्री कर्ण नरेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि 17 साल की उम्र में 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सन 1988 में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोवनेर में एडमिशन लिया। वहां से साल 1992 में कृषि विषय में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ हासिल की। इसके बाद उन्होंने जोवनेर कॉलेज से ही 1995 में कृषि में मास्टर डिग्री हासिल की। मास्टर डिग्री में उन्होंने मुख्य विषय के तौर पर सस्य विज्ञान को चुना। गरीबी से जूझ रहे किसान पिता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पुत्र की इच्छा के अनुरूप अपने पुत्र को उदयपुर में विद्या वाचस्पति डिग्री के लिए भेजा। डॉक्टर बाना ने मन लगाकर पढ़ाई करते हुए अपने पिता को गौरव का क्षण दिया और विद्या वाचस्पति की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ महाराणा प्रताप कृषि महाविद्यालय उदयपुर से प्राप्त की। डॉक्टर बाना ने गरीबी को करीब से देखा था, इस कारण वे अपनी पूरी शिक्षा के दौरान हर छात्र को हर संभव मदद करते थे। अपने जूनियर्स एवं सहपाठियों के लिए हर समय बाना तैयार रहते थे। पढ़ाई से संबंधित हर समस्या का समाधान वो तुरंत उन्हें उपलब्ध करवा देते थे, जिसके कारण उन्हें उनके सहपाठी और जूनियर्स अपना गुरु भी मानने लगे थे। लेकिन सरल स्वभाव के धनी बाना सदैव अपने जूनियर्स के मित्र ही रहे और हर संभव मदद की। अपनी छोटी सी जिंदगी में बाना ने सैकड़ों छात्रों को थीसिस बनाने एवं शोध कार्य पूर्ण करने में मदद की। डॉक्टर बाना के भी 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर बाना को पढ़ाई के दौरान पैसे की समस्या रहती थी, जिसके कारण बाना ने संकल्प लिया था कि जितना हो सकेगा छात्रों को पढ़ाई में मदद करूँगा, और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी होते ही कृषि छात्रों को निशुल्क कोचिंग देना शुरू किया। इस दौरान हजारों कृषि छात्रों को बाना ने निशुल्क कोचिंग देकर सफल बनाया, जो आज बड़े बड़े पदों पर आसीन है और डॉक्टर बाना को अपना आदर्श मानते हैं। उनके कई शिष्य IAS और IPS भी बने। किसान पुत्र होने के कारण बाना कृषि की बारीकियों को और भी ज्यादा नजदीकी से समझते थे। उन्हें किसानों से प्यार और लगाव था, जिसके कारण उन्होंने अपने कैरियर के रूप में कृषि में प्रसार विभाग को चुना और 2013 में सहायक कृषि अधिकारी पद पर चयनित होकर किसानों के बीच रहकर किसानों की मदद की। किसानों के खेतों पर जाकर उन्हें नई नई तकनीकी की जानकारी देने का काम करते हुए बाना को किसानों से इतना लगाव हो गया कि किसान उन्हें किसी भी वक्त कॉल करे
बाना किसानों को संतुष्टिपूर्ण जवाब देते थे, जिसके कारण किसान उनसे बहुत लगाव रखते थे। डॉक्टर बाना के आकस्मिक निधन से कृषि से जुड़े सभी लोगों को आघात पहुंचा है। डॉक्टर बाना के शिष्य रहे डॉक्टर हरि सिंह बाजिया एवं यशपाल ने बताया कि बाना जी के आकस्मिक निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे भरना बहुत मुश्किल है। कृषि में उनके किए कार्यों को सदैव यह समाज याद रखेगा। चंबल प्रवाह परिवार डॉक्टर वाना को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करता है। अब सुने उनके शिष्य हरि सिंह बाजिया। डॉक्टर साहब सामाजिक तरीके नहीं थे, उन्होंने निःशुल्क की कोचिंग दी बहुत सारे बच्चों के लिए, जो आज अच्छे अच्छे जगहों पर विराजमान है, बहुत सारे प्रशासनिक सेवा में है। और रही बात सामाजिक स्तर की, वो भी उन्होंने कर सकते उनके लिए प्रयत्न किए। आज अगर उनकी देखें तो आज लोगों के पसंद के आंखों में आंसू हैं। और उन्होंने वो सामाजिक कार्य किए जो एक कह सकते हैं कि एक पुरुष में आते हैं, और उनकी यादें हमेशा हर व्यक्ति के दिल में रहेंगी। पूरा प्रदेश उनके लिए आज खेद जता रहा है और हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।